पंचायत चुनाव लगातार जारी है और पंचायत चुनाव पर लगातार हमारा कवरेज जारी है। अभी संध्या के 3:30 बजने वाले हैं और अब 1.5 घंटे का समय सरकारी नियमानुसार बचा हुआ है। हम हैं भवानीपुर पंचायत के बूथ संख्या 15 पर और हमारे पीछे लाइन लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि महिला और पुरुष काफी भयमुक्त होकर पहली बार पंचायत चुनाव में न सिर्फ शामिल हो रहे हैं बढ़कर बल्कि आगे बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। इस बार मतदान का रूपरेखा ही बदला हुआ है। निर्वाचन आयोग ने एक बहुत ही खूबसूरत सा निर्णय लिया कि ईवीएम से वोटिंग कराई जाए और इसके अलावा बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था हो। सबों को पता है कि जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव आते हैं उसी तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आता है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा से पंचायत चुनाव ज्यादा संवेदनशील होता है क्योंकि इसमें परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, पड़ोस के लोग, कहिए तो एक घर के लोग ही उम्मीदवार होते हैं और उन्हीं के बीच में मानो एक भारी कसमकस भरा कंपटीशन होता है। ये तो पंचायती राज व्यवस्था की बात है, चुनाव की व्यवस्था है, लेकिन हम जहां खड़े हैं ये जो हमारे पीछे आपको एक ये दिखाई दे रहा है अधकिचड़ा सजावट, यह और कुछ नहीं, यह आदर्श बूथ केंद्र है। मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही खूबसूरत सा सपना देखा कि हर प्रखंड में आदर्श बूथ हो और वहां जहां अच्छी वोटिंग हो, जहां साक्षर मतदाता है, शांति प्रिय रूप में जहां चुनाव होता है उसे आदर्श मतदान केंद्र चुना गया है। लेकिन ये हाल खासता आप देख लीजिए, एक पुराना तरह का एक शमियाना लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ की क्या व्यवस्था है हम यहाँ लोगों से भी पूछेंगे और आपको बकायदा बिल्कुल लाइव में इस वीडियो में दिखाएंगे। ये हम हैं अभी रंगरा प्रखंड के भवानीपुर पंचायत के बूथ संख्या 15 पर। कैमरा में हमारे साथ सही समझ जा और ये बिल्कुल लाइव चल रहा है, आप हमें देश के दुनिया के किसी भी कोने से देख सकते हैं। तो अभी इस बूथ की जो स्थिति है, यहाँ मैं आपको चाहूंगा कैमरामैन से दिखाने का कि पानी के लिए जो सबसे बड़ी व्यवस्था है ये एक बस 20 लीटर का, मैं चाहूंगा कि कैमरा में है समर्थ वो दिखाएंगे कि एक 20 लीटर का जार रखा हुआ है। पूछने पर यही जानकारी मिला कि मतदान करवाने जो कर्मी आए हैं उन्होंने अपनी तरफ से लगवाया है, यानी कि व्यवस्था क्या है वो आप खुद आंखों से देख सकते हैं। एक 20 लीटर का एक पानी का जार और ये उल्टा ग्लास रखा हुआ है, यही है आदर्श मतदान केंद्र की जल व्यवस्था। इसी के भरोसे मतदान कर्मी और जो पुलिस प्रशासनिक लोग हैं वो जल पिएंगे। इसके अलावा जो व्यवस्था है वो 2-3 पुरानी टूटी फूटी कुर्सी लगी हुई है, मैं चाहूंगा कि कैमरामैन से वो भी दिखाएं कि ये आदर्श बूथ की ये कुर्सी है जो बिहार सरकार ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आदर्श बूथ पर लगवाया है और बिल्कुल ये आपके सामने है। भागलपुर जिले के रंगरा प्रखंड का यह पंचायत चुनाव चल रहा है। पुलिस के जवान हमारे साथ हैं जो ये सारा विकलांग सब लग रहा है कहीं से कबाड़ी से उठा उठा कर लाकर और इसे आदर्श बूथ बताया जा रहा है और यहां की फंडिंग की जानी है। सबसे दुर्भाग्य है कि इसके लिए अलग से चुनाव आयोग आदर्श बूथ के लिए खर्च देती है कि इसकी व्यवस्था की जाए। बिजली की व्यवस्था क्या है हम उस पर भी बात करेंगे। 3:30 बजने वाले हैं, मतलब उससे 2-4 मिनट आगे हो चुका है, 4-5 मिनट का हमारा लाइव भी हो गया। कैमरा में है समर्थ, दिखा रहे हैं आपको हम भवानीपुर बूथ संख्या 15 से। तो चुनावी जो माहौल रहता है इसमें एक बहुत बड़ी चीजें होती है व्यवस्था, क्योंकि ज्यादातर एक ही जिले के अलग अलग प्रखंड के मतदान कर्मी मतदान करवाने के लिए केंद्र पर आते हैं। सब लोग लोकल हैं, यहाँ देखिए आप बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम पूछेंगे, उनसे भी स्थिति दिखाएंगे। हाल है ये आदर्श बूथ का, आइए जानते हैं उनसे भी। क्या नाम हुआ चाची जी, की नाम भले अपने के? अनिता देवी। पहना बूथ वोट गिरेना चाहिए चुनाव में के बरी पहली बार एलो छे? पहले मोहर मारे वाला रहे एवरी बटन दबाई छे ईवीएम में, जाने छे अपने? हाँ। अंदर में क्या गो बटन दबाना छे जाने छे? ना। अच्छा आपका क्या नाम हुआ आंटी जी? कंचन देवी। मतलब आपको मालूम है अंदर में ईवीएम की व्यवस्था है और वैलेट की भी व्यवस्था है, आपको मालूम है कौन वैलेट में है कौन ईवीएम में? पता है? पता नहीं, आपको पहले से जानकारी है? हाँ। चलिए कोई बात नहीं, और लोगों से भी जानते हैं, और भी हमारे साथ लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? अंशु झा। अंशु जी बताएंगे कि अंदर में इस बार पंचायत चुनाव में ईवीएम की व्यवस्था की गई है, कैसी व्यवस्था है? अभी तो जिस तरह से पता चल रहा है ठीक ठाक व्यवस्थाएं हैं। 4 ईवीएम और 2 वैलेट है? चार ईवीएम मशीन है और 2 वैलेट है। हाँ, तो 2 वैलेट है जिसमें मोहर लगाना है। तो आपको पता है कि कौन कौन प्रत्याशी मतलब वैलेट में मिलेंगे, कौन कौन पद के और किस किस? हाँ, पद के लोग? हाँ, कैसे किस मुखिया का? मुखिया का जो पद है उसमें इनवेलर वही है, एटीएम मशीन वो वाला मशीन है, और जिला पार्षद का हुआ, और उसके बाद जाके सरपंच, सॉरी नहीं सरपंच नहीं,
जिला पार्षद मुखिया, सीधा समझिए कि पंच और सरपंच में मोहर लगाना है और जो साइड से बचाओ सब में मोहर लगा के देना नहीं, है नहीं सब में ईवीएम में बटन दबाना है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। देखिए ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है जो लोग वोट कर रहे हैं और जो पहली बार आए हैं, जो पहले से भी वोट डाल रही हैं, महिलाएं हैं तो किन्हीं का मायके है, किन्हीं का ससुराल है, आइए उनसे भी जानते हैं। चाची जी, आप पहले वोट किए हैं पंचायत चुनाव में या पहली बार करेंगे? आगे और पूछिए आगे वाले को। आप बताइए आंटी जी, आगे वाले को पूछिए। कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गांव देहात की हैं, जिनको लगता है कि पहली बार कैमरे के सामने, खैर कोई बात नहीं है, हम दिखाते हैं। और यहाँ के स्थिति, वस्तु स्थिति के बारे में तो मैं बता रहा था आपको कि आदर्श बूथ है और आदर्श बूथ की व्यवस्था और कैसी है, लोग खड़े हुए हैं। और एक बहुत बड़ी चीज है कि ना तो कहीं हमें व्हीलचेयर दिखाई दिया, जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है इस बार, और रैंप के लिए जो बनाया गया है उसी पर ये लोगों की पंक्ति लगी हुई है। डेढ़ घंटे का समय सरकारी नियमानुसार शेष है, लगभग डेढ़ घंटे का, 5 बजे तक चुनाव होना है। और दूसरी तरफ ये जो आपकी व्यवस्था है सबके सामने, आपके सामने है, जो हम लाइव में आपको दिखा रहे हैं। हम हैं रंगरा प्रखंड के भवानीपुर पंचायत के बूथ संख्या 15 पर और वहां से हम दिखा रहे हैं आपको लाइव ये स्थिति। और हम अब कैमरे में आपको दिखाएंगे विभिन्न किस तरह से मतदान चल रहा है, ये सुरक्षा गार्ड, ये महिलाओं की ये पंक्ति, और उसके पीछे पुरुष भी हैं, उनसे भी आई, उनसे भी कुछ लोगों से रूबरू हों, उनसे भी जाने कैसा है इस बार का चुनाव, कैसी है स्थिति। क्या नाम हुआ सर आपका? राजीव मिश्रा। राजीव जी, कैसा लग रहा है इस बार ईवीएम है चुनाव में, पंचायत चुनाव में? पहले से तो बेहतर है। पहले से बेहतर है? पहले जो है ऐसा कहा जाता है कि विवाद ज्यादा होता था, अब ईवीएम आ गया तो कम से कम बोगसिंग नहीं हो पाएगा। ये बात तो सही है, पहले तो विवाद कुछ ज्यादा ही होता था, लेकिन अब इस सिस्टम से तो सबको ही खुश है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? विजय प्रदा। क्या रखे हैं मुद्दा इस बार चुनाव में, किस तरह के प्रत्याशी को चुनेंगे? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, और लोग भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा लाइन में लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे पहुंचने में भी हो रही है दिक्कत, लेकिन हम पूछेंगे जरूर, क्योंकि हम हैं आदर्श बूथ पर और यहाँ के लोग ने बनाया है आदर्श। अच्छा, कैसा है सर यहाँ? हाँ वरुण जी, बहुत अच्छा है। कैसी व्यवस्था है सर? बहुत अच्छा है, सारा चीज तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक कोविड का जो पालन नहीं हो पा रहा है। कोविड का पालन नहीं हो रहा है सर? हाँ, वो डिस्टेंस मेंटेन, ये जो है मास्क नहीं लगा हुआ है लोगों पर, आप इस पर भी जरा फोकस करें, रिक्वेस्ट है। और सर ये आदर्श बूथ है, व्यवस्था है आदर्श जैसी? हाँ बिल्कुल, आदर्श तो है ही, लेकिन व्यवस्था बहुत सारे कारणों से नहीं है, लेकिन होना चाहिए जी। व्यवस्था वैसी नहीं है सर आदर्श बूथ जैसी, पानी उनी की व्यवस्था नहीं है, अपने लोगों की तरफ से किया है। आपको क्या लगता है सर, इसके लिए अलग से फंडिंग होती है, खर्च अलग से मिलता है? जी निश्चित रूप से, जी निश्चित रूप से, और व्यवस्था होने से बच्चों को भी काफी सुविधा होगा, इसलिए व्यवस्था तो होनी चाहिए। हैं आदर्श बूथ केंद्र पर और यहाँ से दिखा रहे हम लाइव, हमारे साथ हैं कैमरा में समझ जी और दिखा रहे हम आपको लाइव।